अबाउट डेली यूजेस सेंटेंस, आप इस तरीके के सेंटेंस डेली पढ़ते होंगे, मुझे नाचने दो, मुझे रोने दो, रोशनी को कार चलाने दो, उसे दौड़ने दो, आखिर ये सेंटेंस बनते कैसे हैं, यही इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बूस्ट होता है, तो आप इसी से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस बना पाएंगे और डेली लाइफ में बोल पाएंगे। तो बिना डिले करे चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के सेंटेंस को बोलने के लिए हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो चलो जानते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन आई का मतलब मैं होता है, इसका ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी होता है। इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मी लिखा हुआ है, परंतु इंग्लिश हिंदी में जब हम इस तरीके के सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें मी का हिंदी मतलब मुझे, मुझको, मुझसे मिलता है, इस तरीके के लिखे होते हैं। आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में एक लिखा है पर यहाँ पे हिंदी पे तीन इसके मतलब होते हैं। वी मतलब हम, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस होता है, हिंदी मतलब हमें, हमको, हमसे। यू इंग्लिश जो लिखा है इसका हिंदी में दो मतलब होता है, एक होता है तुम और आप, इन दोनों के लिए हम यू ही यूज करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू ही होता है, परंतु हिंदी में इसका मतलब तुम्हें, तुमको, तुमसे होता है। दे मतलब वे, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम, उन्हें, उनको, उनसे। ही जो है वह मेल के लिए, पुरुष या लड़के के लिए यूज होता है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम और हिंदी मतलब उसे, उसको, उससे। सी फीमेल लड़की या महिला के लिए यूज होती है। हर इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है उसे, उसको, उससे। इट नॉन लिविंग थिंग के लिए इसका हिंदी मतलब भी उसे, उसको, उससे होता है। आप इस चार्ट को दिमाग में रखिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे सेंटेंस बनेंगे। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। लेट का हिंदी मतलब ने दो होता है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे, या ऑब्लिक है इसका मतलब, या नाउन का यूज करेंगे, फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर नाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको देखते हैं ये बनते कैसे हैं। लेट ने दो, जब आप हिंदी में सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसका पहचान लेट का ने दो मिलेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मुझे नाचने दो, नाचने दो में ने दो ये पहचान लेट की है, तो हम लेट लिखेंगे। मुझे का अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, राइट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यही जो बहुत ही यूजफुल है मी होता है, राइट। तो मुझे को हम मी लिखेंगे और नाचना मतलब डांस, लेट मी डांस। मुझे रोने दो, ने दो को लेट, मुझे को मी वीप, मुझे रोने दो लेट मी वीप, उसे आम तोड़ने दो, आम तोड़ना मतलब प्लक मैंगो, लेट हिम प्लक मैंगो। रोशनी को कार चलाने दो, अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा या फिर नाउन होगा, तो यहाँ पे रोशनी क्या है, नाउन आया हुआ है। दो में से कोई एक मिल सकता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर नाउन, इन सारे में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, मुझे, उसे, ये सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। रोशनी क्या है, नाउन है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ने दो को लेट, रोशनी नाउन, फिर हमारा ड्राइव आ कार, लेट रोशनी ड्राइव आ कार। उसे दौड़ने दो, लेट हर रन, हर मतलब लड़की के लिए यूज हुआ है इसलिए लेट हर रन। मुझे फिल्म देखने दो, लेट मी वॉच मूवी। मुझे लॉन्ग ड्राइव के लिए जाने दो, लॉन्ग ड्राइव मतलब जो लंबी सैर के लिए जाते हैं उसे लॉन्ग ड्राइव कहा जाता है, तो लेट मी गो फॉर लॉन्ग ड्राइव, मुझे मतलब मी।
हमें प्याज छीलने दो, छीलना मतलब पील आउट, लेट अस पील आउट अनियन, हमें खाने दो, लेट अस ईट, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, हमें लिखने दो, लेट अस राइट, मुझे अध्ययन करने दो, लेट मी स्टडी। आप इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आई होप बना पाएंगे।